ऑल राइट फ्रेंड्स, तो हमने देख लिया था लास्ट वीडियो में कैसे हम डिक्रीमेंट कर रहे हैं, देखो कैसे हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं देखो। थोड़ा सा और स्टेट मैनेजमेंट देखते हैं हम लोग, तो चलते हैं यहाँ पे। मैं क्या सोच रहा हूँ ना, मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि जैसे कि कलर्स को टॉगल करने की सोच रहा हूँ मैं। तो मैंने पहले बोल रखा कि इज़ वाइट इज़ इक्वल टू ट्रू, यानी कि क्या वाइट कलर है तो वो ट्रू है। अब टॉगल कैसे करेंगे, वाइट और पिंक में टॉगल करता हूँ मैं इसको। तो टॉगल कलर, टॉगल मतलब चेंज करना, तो मैं बोलूँगा भाई टॉगल कैसे करेंगे, मैं बोलूँगा दिस डॉट इज़ वाइट की वैल्यू को पलट देना ना, तो नॉट ऑफ इज़ वाइट कर दूंगा मैं। ठीक है, नॉट ऑफ इज़ वाइट, जो वाइट की वैल्यू है उसी को पलट दी जाएगी। इनिशियली वाइट है, ठीक है, जब चीज़ें टॉगल होंगी तो मैं बोलूँगा भाई चेंज कर दो, ऐसे नॉट कर दो। फिर नोटिफाई, नोटिफाई लिसनर, सबको नोटिफाई भी करवा दो। होम पेज में चलते हैं, होम पेज में चलेंगे, एक आइकन बटन बना लेते हैं। आइकन बटन ये रहा, तो यहाँ पे बना लेते हैं एक आइकन बटन, जिसका आइकन में कुछ भी रख देते हैं, पर्सन, ठीक है पर्सन ये रख दिया था मैंने। और काउंट स्टेट टेक्स्ट डिक्रीमेंट की जगह टॉगल कर देता हूँ मैं सिंपली, ठीक है, टॉगल कलर, ठीक है, इतना मैंने कर दिया। अब इसको एक बार हम देखते हैं कि काम करता है कि नहीं करता, ठीक है। एज सच कुछ है नहीं, अभी तो हम बस बेसिक बेसिक देख रहे हैं कि चीज़ें काम कैसे करती। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो अच्छा क्लिक किया तो टॉगल तो हो जाएगा। ये कहाँ गया, शायद मैंने गलत कर दिया कुछ ना कुछ तो। हाँ देखो टॉगल तो हो रहा है, बट कलर भी तो चेंज करना है मेरे को। तो मैं स्कैफोल्ड में चलूँगा, मैं बैकग्राउंड कलर बोलूँगा, बोलूँगा जो वैल्यू आ रही है उसी का इज़ वाइट अगर ट्रू है, तो आप कलर्स डॉट वाइट करो, वरना कलर्स डॉट एम्बर, क्या कोई भी कलर जो आप चाहें वो आप कर दो, ठीक है। ये आपका स्टेट मैनेज मैंने कर लिया, ठीक है। तो अब थोड़ा सा वेट करते हैं और देखते हैं कि चीज़ें काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। तो मैंने उस पर क्लिक करा, ये देखो कलर चेंज, क्लिक किया फिर चेंज, क्लिक किया चेंज, चेंज 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 चेंज, ठीक है। तो देख सकते हैं आप कैसे स्टेट जो है मैनेज हो पा रही है यहाँ पे, और यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और ये भी, ये भी, ये भी, सब कुछ चेंज हो पा रहा है, ठीक है। अब मान लो इसी ऐप को ना अगर आपको किससे बनाना पड़ता, सेट स्टेट से, तो कितना बड़ा कोड पड़ जाता। बट इस कोड में देखो सिर्फ 53 लाइन्स ऑफ कोड है। ये तो बस एक छोटा सा एग्जाम्पल था, आने वाली वीडियो में जब हम और देखेंगे तब आपको और अच्छे समझ में आएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय।